तो यहाँ पर ये फाउंडेशन बना दिया इन्होंने, अब फाउंडेशन पिलर का पिलर खड़ा करने के लिए देखो खड़ा ये फाउंडेशन, और काफ़ी भारी भरकम है ये फाउंडेशन का। फाउंडेशन का काम किया जाएगा जैसे पीछे किया उन्होंने, जैसे पीछे फाउंडेशन बनाया उसी तरीके से तो मिट्टी नीचे को खींचते हैं, फिर इसको देखो तोड़ने के बाद सकते हो तस्वीर है। फिर इस पर वो जैसे उधर फाउंडेशन बनाया ऐसे यहाँ पर ये फाउंडेशन बना दिया, ये देख सकते हो तस्वीर में कुछ इस तरीके से ये लेवल में मिट्टी की जाती है दोस्तों। देखो मिट्टी को मिट्टी के स्टार कर रही है तो ये बनाया जा रहा है ये साइड में, देखो यहाँ पर ये सीन ख़त्म होगी। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अभी हम पापी पुश्ता से खजूर से निकल चुके हैं और चलेंगे पापी पुश्ता के लिए जहां की ये बागपत के लिए निकल जाएगा। तो देख सकते हो फाउंडेशन बना के और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है सारे में ही, और आगे आपको ग्राउंड लेवल पर देखने के लिए मिलेगा जैसे जैसे ये पिलर को। दोस्तों यहाँ पर ये फाउंडेशन बना दिया इन्होंने, अब फाउंडेशन बना दिया देखो, कंक्रीट भी भर दिया और ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इस साइड। तो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को कि आगे क्या वर्क चल रहा है। देखो फाउंडेशन बनाया जा रहा है यहाँ पर पिलर का, पिलर खड़ा करने के लिए देखो किस तरीके से फाउंडेशन बनाया गया दोस्तों, ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है इस तरीके से। तो देखो ये पिलर के जो पिलर बनाया जाएगा उसके सरिये रखे हुए ये वाले, देखो कुछ ऐसा चमक रहा है ये फाउंडेशन, और काफ़ी भारी भरकम है ये फाउंडेशन का। देखो उधर का फाउंडेशन बना दिया है तो इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जाता है, फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा। आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को कि आगे देख सकते हो ये यहाँ पर ये जो पाइल किया था, पाइल करने के बाद में फिर ये मिट्टी निकाली जा रही है, ये मिट्टी निकाली जा रही है देख सकते हो, ये मिट्टी निकाली जाएगी फिर इसको तोड़ा जाएगा, फिर इस पर फाउंडेशन का काम किया जाएगा जैसा पीछे किया उन्होंने, जैसा पीछे फाउंडेशन बनाया उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाया जाएगा। देखो ये जेसीबी लगी हुई है जो मिट्टी को निकाल रही है यहाँ से इसमें से। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर इन्होंने ये मिट्टी निकाल दी है, और मिट्टी निकाल देने के बाद में देखो ये इस तरीके से ये तोड़ने का काम चल रहा है, इसको तोड़ा जाएगा, देखो वो लगी हुई है टीम, और तोड़ने के बाद में फिर इसको फाउंडेशन बनाया जाएगा, और फाउंडेशन बना के फिर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा दोस्तों। तभी ये टीम खाना खा रही है भाई, खाने देते हैं, चलते हैं आगे। तो देख सकते हैं ये पाइल करने के बाद में दोस्तों देखो ये मिट्टी खिसक भी रही है, इसी वजह से उन्होंने वो सपोर्ट लगा दिया है ताकि ये मिट्टी नीचे को खिसके ना, फिर इसको देखो तोड़ने के बाद में फिर देखो वो निकाले जा रहे हैं, वो सरिये निकाले जा रहे हैं जैसे वो निकाल दिए, इसी तरीके से भाई साहब काम चल रहा है यहाँ पर तेज़ी के साथ में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का दोस्तों। ये देखो ये ट्रक खड़ा हुआ है, आगे ये वाला देख लेते हैं। तो इधर आपको बता दूं, देखो यहाँ पर इन्होंने ये फाउंडेशन बना दिया है दोस्तों, देखो इस तरीके से इन्होंने ये फाउंडेशन बनाया है वो आप लोग देख सकते हो तस्वीर है गाइस, ये देख सकते हो ये सारे में इन्होंने फाउंडेशन बना दिया है, इधर का तो बना दिया, अब इसमें ये मिट्टी डाली जा रही है, अब मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं इस साइड में, ठीक है दोस्तों। और ये है पापी पुश्ता, देख सकते हो ये अब इस पर यहाँ की देखो ये मिट्टी निकाल दी है, और मिट्टी निकालने के बाद में फिर इसको तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद में फिर इस पर वो जैसे उधर फाउंडेशन बनाया ऐसे ही इधर भी बनाया जाएगा। तो यही वर्क चल रहा है अभी, ये हम खजूरी से निकल चुके हैं और ये चल रहे हैं पापी पुश्ते का नज़ारा है दोस्तों, ये देख सकते हो सारे पिलर ये जो इन्होंने
पाइल किया था, वो पाइल की मिट्टी निकालने के बाद में ये देखो अब ये साफ़ कर दिया। अब इसको तोड़ने का काम किया जाएगा, फिर इसको ये तोड़े जाएंगे, तोड़ने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो जैसे कि इस साइड में देखो इन्होंने ये फाउंडेशन बनाया, देखो यहाँ पर ये फाउंडेशन बना दिया, ये देख सकते हो। तो इसी तरीके से बनाया जाएगा आगे, और यहाँ से ये आ जाएगा ग्राउंड लेवल पर दोस्तों। और ग्राउंड लेवल पर आने के बाद में देखो ये रिंग पड़ा हुआ है, और यहाँ से ये ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा दोस्तों। और ग्राउंड लेवल पर भी आप लोगों को दिखाते चल के, अभी वर्क चल रहा है दोनों साइडों में, और आपको दिखाते हैं देखो किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क चल रहा है गाइस। देखो ये मिट्टी को लेवल किया जा रहा है, ये देख सकते हो तस्वीरें, ठीक है। ये मिट्टी को लेवलिंग किया जा रहा है, यहाँ पर ये लास्ट पिलर है दोस्तों, ये वाला, ये लास्ट पिलर यहाँ पर ख़त्म हो जाता, फिर यहाँ पर ये आ जाता है नीचे ग्राउंड लेवल पे अब चलेगा। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। देखो ये मिट्टी को असेंबल की जा रही है, देख सकते हो ये मिट्टी यहाँ पर लाला कर डाली जा रही है। इसको एक सार कर रहे हैं, अभी लेवल में ला रहे हैं इसको, देख सकते हो ये दीवार है, ये तोड़ दी है। तो तोड़ने के बाद में यहाँ पर ये मिट्टी डालने का काम चल रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आ जाता है गाइस। और आके डेली डेली यूपी का बॉर्डर आगे पड़ने वाला, वहाँ से ये दिल्ली ख़त्म हो जाएगी। तो आगे बॉर्डर आप लोगों को दिखाते हैं चल के। और यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, ये देख रैपिड एक्शन फोर्थ। ये बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जो एक लाइन तो देखो क्लियर कर दी है, और उधर देखो वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है उस साइड में, वो देखो जो मेरी उंगली है वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। और इधर आपको बता दूं मिट्टी की लेबलिंग कर दी जा चुकी है, ये देख सकते हो ये मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है, और अब इसमें कंक्रीट की लेयर डाली जा रही है, ये देख सकते हो वो कंक्रीट की लेयर डाली जा रही है। ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि अभी एक लाइन ही बना रहे हैं, क्योंकि इसको तोड़ा जाना है। उधर अभी वर्क नहीं चल रहा है, इस साइड में ही चल रहा है अभी इस टाइम पे, ये देख सकते हो तस्वीर, वो जेसीबी खड़ा हुआ है। आगे की साइड में ड्रेनेज सिस्टम बन गया है, आधा बन गया, आधा इधर की साइड में बन रहा है, और इधर पानी पड़ा हुआ है, तो इस वजह से इन्होंने ये क्या है पत्थर डाल रहे हैं, ये देखो वो पत्थर डालने के बाद में फिर इसको लेवल किया जा रहा है। मशीन वो चल रही है, देख सकते हो किस तरीके से, ये देखो वो बैठ गई, ये देखो जो सामने से सूरज पड़ रहा है, तो इस वजह से ये देख सकते हो मिट्टी, जो मशीन है मिट्टी को लेवल करने वाली, वो देखो वो बैठ गई। तो यही वर्क चल रहा है भाई, ये मिट्टी में बैठती नहीं है बिल्कुल भी, ये देखो तस्वीरें, ये सीन है यहाँ का, चल लिया मशीन। और यहाँ से गाइस हम चलेंगे नीचे, देख सकते हो ये मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है, और ये पाबी पुश्ते को तोड़ा जा रहा है दोस्तों, तोड़ दिया जाएगा बिल्कुल ही। तो अभी आप लोग देख लो कि ये पाबी पुश्ता अभी कैसा है, और आने वाले टाइम में कैसा हो जाएगा, जो कि ये 12 लेन का बन जाएगा दोस्तों। और ये मिट्टी को लेबल किया जा रहा है, ये मशीन लेबलिंग कर रही है मिट्टी को, जो ट्रकों द्वारा लाई जा रही है, और यहाँ पर ये ईंट पत्थर डाले जा रहे हैं पानी की वजह से, ताकि ये दबे ना, बैठ जाए, ये देख सकते हो तस्वीरें। और ये जगह है पाबी पुश्ता, तो कुछ इस तरीके से ये लेवल किए जाते हैं मिट्टी को, देखो किस तरीके से ये कर रहे हैं मिट्टी को लेवलिंग में, वो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। और ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो तस्वीरें, ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है।
ये देखो कुछ इस तरीके से ये लेवल की जाती है मिट्टी को। ये देखो इसका ये पटेला है, ये चारों तरफ घूम जाता है। देखो इसमें ज़्यादा वो नहीं होती है, देखो बिल्कुल बैठ जाता है भाई, देख सकते हो किस तरीके से घूमता है ये। ये देखो कुछ इस तरीके से ये लेवल में मिट्टी की जाती है दोस्तों। देखो इस तरीके से ये लेवल में कर रहे हैं मिट्टी को, ठीक है गाइस। तो यही है यहाँ पे, और ये है पाबी पुस्ता गाइस। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। चलो भाई देखो ये मिट्टी तोड़ दी है ना, अब बीच में यहाँ पर वो लगाया जाएगा डिवाइडर, मतलब साइड वॉल लगाए जाएंगे। तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो वर्क है वो चल रहा है यहाँ पर दोस्तों। ये ग्राउंड लेवल पर रहेगा, और ग्राउंड लेवल पर कहाँ तक रहेगा वो आप लोगों को बने रहिए वीडियो के एंड तक, फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के कि कहाँ तक ये रहेगा। तो यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है इस साइड में, और देखो लोड रोलर वो है जहाँ पर ये मिट्टी की लेयर, तो ये है जो इन्होंने एक सार कर दी है। फिर आगे देख सकते हो वो कंक्रीट की रोरी बजरी की ये लेयर डाल दी जा चुकी है। आगे देखो वो रोड रोलर खड़ा हुआ है, आगे चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी। और यहाँ से हम चलेंगे आगे, देख तो देख सकते हो ये मिट्टी की लेयर डाल दी जा चुकी है, इसको एक सार भी कर दिया, और इसमें अब रोरी बजरी की लेयर डाली जा रही है, उसको लेवल किया जाएगा। और साइड में ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। अभी आपको बता दूं इसमें साइड वॉल भी लगाई जाएगी, जो कि इसको एक्सप्रेसवे की लाइन होगी दोस्तों। तो देख सकते हो ये यहाँ पर रोड रोलर खड़ा हुआ है, जो कि ये रोरी बजरी की लेयर को ये दबा रहा है दोस्तों। और इस पर रोरी बजरी की लेयर डालने के बाद में, इसको एक सार करने के बाद में, फिर इस पर ब्लैक टॉप किया जाना है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर तीन तीन रोड रोलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और ऊपर की अभी एक लाइन छोड़ रखी है, क्योंकि पहले इस पर ब्लैक टॉप हो जाएगा, जब इस पर भान चलने लग जाएंगे तो ऊपर का ये तोड़ दिया जाएगा पाबी पुस्ता। तो अभी साइडों में ही बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये वाली जो लाइन है जिस पर हम अभी चल रहे हैं, ये लोकल ट्रैफिक के लिए होगा। और जो बीच वाली लाइन है जो ऊँचा दिखाई दे रहा है अभी के राइट हैंड पर, ये आप एक्सप्रेस वे की लाइन होंगी, जो कि देख सकते हो यहाँ पर ये मिट्टी को लेबल किया जा रहा है दोस्तों। मशीनें ये लगी हुई हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। कुछ यही वर्क चल रहा है यहाँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गाइस। और आपको बता दूं यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल पर रहेगा, जो कि आगे जाके ये जब चौराया तिराया आएगा जहाँ से लोनी के लिए और आपको पाबी पुस्ता इधर के लिए आते हैं, वहीं से ये ग्राउंड लेवल पर रहेगा दोस्तों। तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो यहाँ मिट्टी की ये लेयर बिछाई जा रही है, और मिट्टी की लेयर डालने के बाद में फिर रोरी बजरी की लेयर बिछाई जानी है, उसके बाद में इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, और साइड में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो तेजी के साथ में अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है गाइस। और देख सकते हो यहाँ पर ये एक्सप्रेस जो लाइन होने वाली है दोस्तों, देख सकते हो ये साइड वॉल लगा दी है और मिट्टी इन पर डाली जा रही है। अभी तो ये और ऊंचा उठाया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वाला लोकल ट्रैफिक के लिए होगा, थ्री लाइन, और थ्री लाइन उस साइड में सिक्स लाइन, और थ्री लाइन इस साइड में एक्सप्रेस वे की, और थ्री लाइन उस साइड में सिक्स लाइन हो गया। तो ये टोटल 12 लाइन का एक्सप्रेस वे होने वाला जो दोस्तों, और ये दिल्ली के अंदर यानी कि ब्राउन फील्ड एरिया में 12 लाइन का रहेगा दोस्तों, और ग्रीन फील्ड एरिया में ये सिक्स लाइन का ही रहेगा। तो बहुत तेजी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है गाइस। और आपको बता दूँ जो यहाँ से जो सिटी पड़ेंगी वो पड़ेगी दिल्ली बागपत बड़ोत शामली सहारनपुर, और एंड में आ जाएगा देहरादून। तो ये चार पांच सिटी से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेस वे बहुत तेजी के साथ में गाइस। देख सकते हो ये डाले जा रहे हैं, और आपको बता दूं कि यहाँ पर इस रूट पे जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा, तब यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी आने लग जाएंगी, और यहाँ पर रोजगार भी
बहुत ज़्यादा फायदा होगा, रोजगार का भी इसमें बढ़ावा मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, अभी से 4 से 5 घंटे लगते हैं दिल्ली से देहरादून जाने में। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद में गाइस इसमें 2 से 2.5 घंटे का ही वक्त लगेगा, तो मतलब कि आधा वक्त कम हो जाएगा। तो इसी को बहुत तेज़ी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये हम अब ऊपर चढ़ चुके हैं और आप लोगों को आगे दिखाने वाले हैं दिल्ली और यूपी बॉर्डर, और वहाँ पर ये वीडियो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो यही वर्क चल रहा है अभी दिल्ली के अंदर अंदर। और जो आप लोगों को अगला वीडियो जो देखने के लिए मिलेगा वो दिल्ली यूपी बॉर्डर से यूपी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर क्या कुछ वर्क चल रहा है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस। तो आप लोग देखते रहो ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। देख सकते हो तस्वीर अभी यहाँ पर ये पूरी सब्जी की ये जो ठेली है वो लगी हुई है, मार्केट से लगा रखी है, लेकिन अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर कुछ आप सबको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों, सब कुछ हट जाएगा। और देख सकते हो वो ये जो ब्लू कलर में जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो है दिल्ली यूपी बॉर्डर गाइस, देख सकते हो ये वाला। तो चलिए, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।